फ्रेंड मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आरबीयू का एक क्वेश्चन है जिसका रैंक निकालना है। और फ्रेंड आपको बता दें कि 2018 बीएचयू बीएससी इंट्रेंस मैथ के क्वेश्चन पेपर में आरबीयू के दो प्रश्न पूछे गए थे, तो और आरबीयू के दोनों प्रश्नों में रैंक पूछा गया था। आरबीयू का रैंक किस तरह से निकालेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि आरबीयू का रैंक किस प्रकार से निकलता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आरबीयू का रैंक निकालने के लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से सबसे पहले इस आरबीयू को इकलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इस आरबीयू का रैंक निकालेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर जरा देखें, इस आरबीयू को इकलॉन फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हम आरबीयू को लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पर आरबीयू ए दिया हुआ है, इसको सबसे पहले उतार लेंगे। 4 4 0 3 -2 3 -1 5 1 4 8 7 1 1 1 1। फ्रेंड यह आरबीयू दिया हुआ है, तो इसको इकलॉन फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हम आर वन को आर फोर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, आर वन रिप्लेस्ड बाई आर फोर, पहले रो को चौथे रो से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा ए, तो ए इक्विवेलेंट टू, और देखेंगे ये क्या लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, पहले रो को चौथे रो से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 1 1 1, यहाँ पर आएगा -2 3 -1 5, दूसरे रो तीसरे रो को ज्यों का त्यों उतार लेना है 1 4 8 7, और यहाँ पर भी चौथे रो को लिख लेना है। चौथे रो की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पहला रो 1 4 0। अब फ्रेंड करना क्या है, देखें इसका दोगुना करके इसमें जोड़ देंगे ना, इसका इसमें माइनस कर लेंगे या इसका चार गुना करके इसमें से माइनस कर लेना है। तो अब जरा देखें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा लगेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, R2 इक्वल टू R2 प्लस 2 टाइम्स R1। फ्रेंड इसको इकलॉन फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग प्रत्येक रो का पहला एलिमेंट जीरो बनाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जीरो आ जाए, यहाँ पर भी जीरो आ जाए और यहाँ पर भी जीरो आ जाए। इसके लिए यह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे और R3 इक्वल टू देखेंगे, R3 इक्वल टू हो जाएगा R3 माइनस R1 और R4 इक्वल टू हो जाएगा R4 माइनस 4 टाइम्स R1। तो फ्रेंड इस तरह से यह इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 1। देखें इसका दोगुना करके इसमें जोड़ेंगे तो यह 0, इसका दोगुना करके जब इसमें प्लस करेंगे तो 5, इसका दोगुना करके इसमें जोड़ना है आएगा 1, इसका दोगुना करके जब इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 7। और फ्रेंड इसको इसमें से घटा देंगे 0, यहाँ से इसको घटाएंगे 3, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 7 और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। अब फ्रेंड इसका चौथा रो लिखना है, और चौथे रो के लिए जरा देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखा है R4 इक्वल टू R4 माइनस 4 टाइम्स R1, यानी इसमें से इसका चार गुना करके घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर चार गुना करके घटाएंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पर चार गुना करके जब घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गया। अब जरा देखेंगे इसमें 2 0 है, इसमें 1 0, इसमें 1 0। तो इकलॉन फॉर्म में होता क्या है, सबसे नीचे वाले रो में सबसे अधिक 0, फिर उसके ऊपर वाले में उससे कम 0, उसके ऊपर वाले में उससे कम 0, फिर उसके ऊपर वाले में सबसे कम 0 होना चाहिए। तो इसमें अभी 2 0 आया, इसमें 1 0, इसमें 1 0, इसमें 0 की संख्या बराबर है, अभी यह इकलॉन फॉर्म में नहीं बदला। तो अब इकलॉन फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम किसी तरह से 1 बना लें। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए सबसे पहले इसको इसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर जरा देखें फ्रेंड करेंगे क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाएंगे R2 इक्वल टू
आर टू प्लस आर थ्री। तो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देखेंगे वन 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 और यहां पर हो जाएगा जीरो एट। इस आर थ्री को आर टू में प्लस कर लेना है, यहां पर भी हो जाएगा एट और यहां पर हो जाएगा थर्टीन, यहां पर हो जाएगा सात छह तेरह और नीचे हो जाएगा जीरो थ्री सेवन सिक्स और जीरो जीरो माइनस फोर, यहाँ पर माइनस फोर है और यहाँ पर माइनस वन। और फ्रेंड करेंगे क्या, इसमें आठ से हम लोग भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर जरा देखेंगे आर टू इक्वल टू वन बाई एट टाइम्स आर टू, आठ से भाग कर देंगे तो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगा देखेंगे वन 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 इस तरह से और यहाँ पर हो जाएगा जीरो वन वन और यहाँ पर हो जाएगा थर्टीन बाई एट तेरह बटा आठ, यहाँ पर देखेंगे जीरो थ्री सेवन सिक्स और यहाँ फ्रेंड हो जाएगा जीरो जीरो माइनस फोर माइनस वन। अब करेंगे क्या, इसका तीन गुना करके इसमें से घटा देते हैं, जब देखेंगे इसका तीन गुना करके जब इसमें से घटा देंगे तो यह जीरो, यहाँ पर भी वैल्यू अंतर आ जाएगा। तो ए इक्विवेलेंट टू यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दें कि क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाने जा रहे हैं, तो आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस थ्री टाइम्स आर टू। फ्रेंड यहाँ पर जरा देखेंगे इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, देखें वन 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 वन, पहले रो को ज्यों का त्यों उतारेंगे और दूसरे रो को जरा देखेंगे यहाँ पर जीरो वन वन थर्टीन बाई एट और देखें इसका तिगुना करके इसमें से माइनस करें तो यहाँ पर तो जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो जाएगा, इसका तिगुना करके जब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड फोर आ जाएगा और जब इसका तिगुना करके इसमें से घटाना है तो यहाँ देखें तिरतिया उनतालीस, सिक्स माइनस उनतालीस बटा आठ, आठ छः अड़तालीस तो यानी अड़तालीस माइनस उनतालीस बटा आठ और जब यहाँ पर फ्रेंड घटाएंगे तो आ जाएगा नौ बटा आठ। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखेंगे नाइन बाई एट और यहाँ पर लिखेंगे जीरो जीरो माइनस फोर और यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन। आप फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर दो जीरो, यहाँ पर दो जीरो, यहाँ पर एक जीरो, अब किसी तरह से अगर यहाँ पर तीन जीरो हो जाए तो यह इकलॉन फॉर्म में बदल जाएगा। तो अब फ्रेंड हम करेंगे क्या, यहाँ पर आर थ्री में आर फोर में आर थ्री को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर जरा देखें आर फोर इक्वल टू आर फोर प्लस आर थ्री। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वन 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 और यहाँ पर जरा देखेंगे जीरो वन वन थर्टीन बाई एट, यहाँ पर है जीरो जीरो फोर और यहाँ पर है नाइन बाई एट और यहाँ पर जा देखें जब इसको इसमें प्लस कर देंगे फ्रेंड तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो और यहाँ पर भी हो जाएगा जीरो और इसमें इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो और जब इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर जरा देखें माइनस वन और प्लस नाइन बाई एट, तो लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा वन बाई एट। तो फ्रेंड अब यहाँ पर यह जरा देखेंगे यह मैट्रिक्स इकलॉन फॉर्म में हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें चौथे रो में देखेंगे ये तीन जीरो, तीसरे रो में दो जीरो, दूसरे रो में एक जीरो और इसमें क्या है कोई जीरो नहीं, तो यह इकलॉन फॉर्म में बदल गया, यह इकलॉन फॉर्म में बदल गया विच हैज थ्री विच हैज फोर फोर नॉन जीरो रोज फोर नॉन जीरो रोज देयर फोर इट्स रैंक देयर फोर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू फोर।
फ्रेंड जितना इक्लॉन फार्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहता है उतना ही रैंक होता है। नॉन जीरो रो का मतलब यह हुआ कि सभी के सभी एलिमेंट जीरो ना हो। तो इसमें जरा देखें, इसमें तीन जीरो लेकिन यह नॉन जीरो है, तो एक नॉन जीरो रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें कुल चार नॉन जीरो रो हैं, अतः इसका रैंक कितना होगा, फोर होगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं।